Hello guys, I am Pali Ponikar. Welcome you all in this video. In this session, I am going to discuss about the difference between the first class brick, second class brick and third class brick. Okay, आज मैं आपको इसमें बताने जा रही हूँ कि difference क्या है first class brick का, second class brick का और third class brick में. Okay, क्योंकि हम लोग जब भी site पे वगैरह जाते हैं तो हमें बोलते हैं कि first class bricks high quality bricks चाहिए और middle class bricks चाहिए. Okay. तो हमें इसमें पता रहना चाहिए कि फर्स्ट क्लास ब्रिक की स्ट्रेंथ कितनी है, उसका कलर कैसा है, वो यूनिफॉर्म है क्या, ओके, और सेकंड क्लास ब्रिक में कैसा होता है, थर्ड क्लास ब्रिक में कैसा होता है. ओके, सो मैं आज आपको इसमें बताने जा रही हूँ. ओके, सो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड लाइक्स कीजिए. ओके, सो हम लोग पहले देखेंगे कि ब्रिक्स का साइज क्या होता है. ओके, द साइज ऑफ ब्रिक्स इज 190 सेंटीमीटर इंटू 90 सेंटीमीटर इंटू 90 सेंटीमीटर. ओके, ये हमारे पास 190, 90 और 90 सेंटीमीटर की ब्रिक हो गई. ओके, सो एंड दिस इज रिकमेंडेड बाय द BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड. ओके, सो हम लोग इसमें देखने वाले कि फर्स्ट क्लास ब्रिक्स में क्या होता है. फर्स्ट क्लास ब्रिक्स हम लोग यूज करते हैं हाई क्वालिटी वर्क के. ओके, जब भी कहीं पे हाई क्वालिटी वर्क हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो हम लोग फर्स्ट क्लास ब्रिक यूज करते हैं. ओके, उसमें उसका कलर कैसा होना चाहिए और जो हम लोग उसमें रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं वो गुड क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं. ओके, आफ्टर दैट दी कलर ऑफ दिस फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड बी यूनिफॉर्म. ओके, वो कोई भी कलर है, जैसे वो जैसे हम लोग ब्रिक में जैसे लेते हैं हम लोग रेड कलर होता है या फिर चेरी कलर होता है या फिर ब्राउन कलर होता है. ओके, वो कलर हमारा यूनिफॉर्म होना चाहिए. आफ्टर दैट दी शेप एंड साइज ऑफ दिस फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड बी साइज ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड बी यूनिफॉर्म. ओके, यूनिफॉर्म इट मीन्स उसमें कोई भी क्रैक्स नहीं होना चाहिए और उसके एजेस टूटे हुए नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनरली हम लोग देखते हैं कि जब भी हम लोग साइट पर वगैरह जाते हैं तो किसी किसी ब्रिक्स के जो एजेस होती है वो टूटे हुए होती है. ओके, तो जो हमारी फर्स्ट क्लास ब्रिक्स होती है उसमें वो नहीं होना चाहिए, एजेस वगैरह टूटे हुए नहीं होना चाहिए, उसमें नो पोर्स भी नहीं होने चाहिए और क्रैक्स भी नहीं होने चाहिए. ओके, आफ्टर दैट दी क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ दी दिस ब्रिक इज क्रशिंग स्ट्रेंथ, और हम लोग बोलेंगे इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड बी 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, ये 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स होता क्या है, जैसे हम लोग ने यहाँ पे ले लिया वन ब्रिक ले लिए, उसका हम लोग एक छोटा सा जैसे स्मॉल पार्ट ले लेंगे, ये अगर हो गया हमारा ये 1 सेंटीमीटर और ये हमारी हो गई 1 सेंटीमीटर. ओके, ये जो हम लोग ले रहे हैं उसी के उसके अंदर जो एरिया है वो हमारा कितना कवर्ड कर रहा है, 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, आफ्टर दैट द वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड बी 20%, नॉट मोर देन 20%. ओके, ये जो हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन है वो फर्स्ट क्लास ब्रिक का 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ओके, आफ्टर दैट ये हमारी होगी फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए, उसका कलर यूनिफॉर्म होना चाहिए, शेप एंड साइज भी यूनिफॉर्म होना चाहिए, उसमें नो क्रैक्स नहीं होना चाहिए, एयर
जो हमारी कोर्स होती है वो नहीं होना चाहिए, देन उसके बाद उसकी शार्प एजेस होना चाहिए, उसमें जो एजेस होती है वो टूटी हुई नहीं होना चाहिए, एंड क्रशन स्ट्रेंथ उसकी 105 kg/cm² होना चाहिए, वाटर एब्जॉर्प्शन भी उसका 20% होना चाहिए, नॉट मोर देन 20%। ओके, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ नॉट मोर देन दिस 20%। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए। अब हम लोग देखेंगे सेकंड क्लास ब्रिक के लिए। ओके, सेकंड क्लास ब्रिक के लिए, सेकंड क्लास जो ब्रिक्स होती है वो हम लोग जनरली प्रोवाइड करते हैं इंटरनल वॉल्स के लिए। ओके, और ये स्लाइटली ओवन बर्न ब्रिक्स होती है, ये स्लाइटली ओवन बर्न bricks, okay, after that, and this brick should be, the compressive strength of this brick should be 70%, 70 kg/cm², okay, its compressive strength 70 kg/cm² होती है, okay, after that, और ये जो इसकी जो ये जो सेकंड क्लास ब्रिक है उसकी क्वालिटी स्लाइटली लिटिल बिट कम होती है ये फर्स्ट क्लास ब्रिक से। ओके, लिटिल बिट लेस द क्वालिटी, लिटिल बिट लेस देन फर्स्ट क्लास ब्रिक। ओके, आफ्टर दैट द वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए, शुड बी 22%, वाटर एब्जॉर्प्शन वो 22% होता है। ये जो हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो जब भी हम लोग वेट टेस्ट वगैरह करते हैं तो उसमें जो हमारा यूज जो हम लोग ब्रिक्स यूज करते हैं उसका जो हम लोग ड्राई वेट ले लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग जो हम लोग जिस भी ब्रिक्स का हम लोग ड्राई वेट लेते हैं उस वही ब्रिक्स को हम लोग 24 आवर्स के लिए डीप करते हैं वाटर में। ओके, देन उसके बाद हम लोग जो वेट लेंगे वो हमारा हो जाएगा 22%, ये हमारा होता है वो जो वेट लेते हैं हम लोग आफ्टर द 24 आवर्स के बाद जो हमारा वेट होता है वो 22% होता है। ओके, इसके इसमें भी हमारा जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो 22% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ओके, नॉट मोर देन 22%। आफ्टर दैट द कलर ऑफ दिस सेकंड क्लास ब्रिक शुड बी यूनिफॉर्म। इसमें जो हम लोग जो ब्रिक्स लेते हैं, ये जो हमारे सेकंड क्लास ब्रिक्स होती है उसकी थोड़ी थोड़ी एजेस जो होती है वो टूटी हुई होती है, कहीं कहीं पे पोर्स होते हैं। ओके, ये हो गई हमारी सेकंड क्लास ब्रिक के बारे में। ओके, अब हम लोग जाएंगे थर्ड क्लास ब्रिक के बारे में देखेंगे। थर्ड क्लास ब्रिक, हम लोग देखेंगे कि थर्ड क्लास ब्रिक होता क्या है। ये जो थर्ड क्लास ब्रिक होती है वो हम लोग टेम्पररी स्ट्रक्चर्स के लिए यूज करते हैं। ओके, दिस ब्रिक शुड बी यूज फॉर द टेम्पररी स्ट्रक्चर। ओके, एंड देन ये भी हमारी कुछ ओवन बर्न ब्रिक्स होती है, बिकॉज ऑफ द ओवन बर्न ब्रिक्स द कलर शुड बी, कलर मस्ट बी ब्लैक। ओके, इसका कलर ब्लैक आ जाता है, कलर इसका डिफरेंट होता है जो हमारी नॉर्मल ब्रिक्स होती है उससे। ओके, एंड देन इसका शेप एंड साइज भी डिफरेंट ही होता है, शेप एंड साइज ऑफ दिस थर्ड क्लास ब्रिक शुड बी डिफरेंट। एंड
brick isn't uniform in shape and size. Okay, aisa bol sakte hain hum log, isn't uniform in shape and size. After that, the water absorption should be 25%. Okay, 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसका water absorption. After that, the crushing strength or compressive strength of this third class brick should be 30 kg per centimeter square. Okay, ये हो गई हमारी third class brick के लिए. ओके, अब हमने देख लिया है कि फर्स्ट क्लास ब्रिक्स और सेकंड क्लास ब्रिक्स और थर्ड क्लास ब्रिक की स्ट्रेंथ कितनी होती है, कलर कैसा होता है उसका, स्ट्रेंथ इसका शेप एंड साइज कैसे होता है. ओके, सो मैं आपको ये सब बता क्यों रही हूँ, क्योंकि जब भी हम लोग साइट पे वगैरह जाते हैं तो वो लोग हमें बोलते हैं कि 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर की हमें ब्रिक चाहिए, स्ट्रेंथ वाली ब्रिक चाहिए. तो हमें पता रहना चाहिए कि फर्स्ट क्लास ब्रिक की स्ट्रेंथ 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका कलर यूनिफॉर्म होता है, उसका शेप एंड साइज यूनिफॉर्म होता है, उसमें नो एजेस होती है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स में, उसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए, पोर्स नहीं होने चाहिए. ओके, उसका वाटर एब्जॉर्प्शन 20% होता है एंड एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. ओके, एंड सेकेंड क्लास ब्रिक्स में भी वो स्लाइटली ओवन बर्न्स होती है. थर्ड क्लास ब्रिक्स ऑल्सो ओवन बर्न ब्रिक्स, बट इसका जो थर्ड क्लास ब्रिक में है वो उसमें कलर डिफरेंट होता है, जनरल वो ओवन बर्न होने के कारण वो ब्लैकिश हो जाती है, तो उसका कलर यूनिफॉर्म नहीं होता है. और सेकेंड क्लास ब्रिक्स होती है वो जो हम लोग मिडिल क्लास इसमें वर्क में यूज़ करते हैं, एंड प्लस फर्स्ट क्लास ब्रिक्स हम लोग हाई क्वालिटी वर्क्स के लिए यूज़ करते हैं. ओके, सो होप यू लाइक इट. सो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए. Okay, have a nice day. Bye bye. Thank you.